गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है सैटरडे और सैटरडे की सुबह आज सिद्धि का स्कूल बंद था। इतनी ठंडक हो रही थी ना कि हम लोग बस उठे और ब्रश वगैरह करके नहाना धोना भी हो गया है, बस शक्ल से ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी नहाए नहीं है क्योंकि बहुत झटपट गए, पानी देख करके डर लग रहा था, बस गए और बाहर निकल कर आए, मतलब एकदम कंकड़ वाला। इतना लेट उठे ना, 10 बज गए सुबह के और भूख लग गई थी जोरों की। तो हल्दीराम यानी कि प्रभु जी, यहाँ पर कोलकाता में हल्दीराम का ब्रांड है प्रभु जी, तो हम लोगों ने यहाँ पर मंगाया मस्त छोले भटूरे है और डोसा है और आज यही है ब्रेकफास्ट हम लोगों का। राघव अभी सो करके उठा है, बस ब्रश करके वो खाने पे जुट गया है और यहाँ पे देखो ये सब नहीं नहाए, सिर्फ यहाँ पर एक भक्त इंसान हम ही है जो नहा धो करके तब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा तो मैंने पहली बार देखा, मतलब बेडशीट ठंडी लग रही है, वहां पर बैठना है तो वो प्रेस से बेडशीट को गर्म किया जा रहा है और तब वहां पर बैठा जाएगा। देखो पर ये देखो तुम्हारे लिए गर्म कर रहे हैं, हम तो बैठे ही पहले से ही। इसे कहते हैं प्यार, मतलब आई एम सो लकी, मुझे आज ऐसा फील हो रहा है मेरे लिए बेडशीट गर्म हो रही है। हम तो फालतू में ताने मारने जा रहे थे कि मतलब खुद के लिए गर्म किया जा रहा है, अभी रियलिटी मुझे पता चली तब मतलब सही है, मेरे लिए गर्म किया जा रहा है तब तो ठीक है। तो पूरा मतलब इतनी दूर में हम बैठेंगे तो इतनी दूर में गर्म किया जा सकता है, पर ये जुगाड़ जो है ना वो अपने इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। खाना बनाया ये मेरा, मम्मी का, राघु का, पापा का, उधर पापा का कब कहीं और ही भागे जा रहा है, राघु का भी कहीं और भाग रहा है और पापा उधर अपना लैपटॉप स्टार्ट कर रहे हैं। कैसी बनी रुची रुची भोग मखन शीरी मोरों को खिलाऊंगी। तो पापा कैसी बनी है चाय? वेरी नाइस, मैंने बनाई है। उसको जूम करने से कुछ दिखेगा उसमें? खाली चाय वो थोड़ी थोड़ी चाय के लिए निकाली है मैंने, क्योंकि ज्यादा चाय नहीं, पापा ठंडा। ये देखिए खाना है। तो मम्मा आपको भी कैसी लगी चाय? मम्मा का तो पूरा प्लेट और कप भरा हुआ है, खाइए टेस्टी खाइए। वाव, ऐसे चाय पी के मुझे फिर से नींद आने लगी। ये कोको तो रही है, ठंडा का कहर जा रही है और अगर मैंने गर्म कपड़े पहन लिए हैं तो मतलब कि ठंडी है। आज सुबह का ब्रेकफास्ट ऐसा करने के बाद ना ये बनाई है मस्त तड़के वाली दाल और बड़ा ही मन लगा के बनाया है। मेरी फैमिली वाले जानते हैं ना कि अगर मैंने दाल में बकायदे छौंक कर तड़का लगा करके तब परफेक्ट दाल बनाई है ना, तो लिटरली मैंने आज मन से खाना बनाया है, ये सभी जानते हैं। तो आज बड़े मन से मैंने बनाई है दाल, बकायदे तड़का वड़का सब हींग जीरा मसाले वसाले डाल करके एकदम मस्त तड़के वाली ढावे टाइप दाल बनाई है। साथ में आज ऐसा मौसम को देखते हुए ना ऐसा आलू की करारी वाली भुजिया चावल और आज सोचा है ना कि मक्के और ज्वार की रोटी बनाने का, तो बस यही सब आज का लंच है। थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोगों का लंच आज करना है, मतलब ऐसा ठंडक में आलस में थोड़ा सा लेट हो जाता है, 3-4 बजे जाकर के लंच हो रहा है। तो आज सैटरडे है, आज सिद्धि का भी ऑफ है, सिद्धि भी घर पर है, तो आज जो है सोचा है कि टाइम से निपटा ले अपना लंच, कहीं ना कहीं पे तो यूज करना है ना। तो सिद्धि देव नीचे ये मेरे लिए काम बढ़ रहा है और ये अपना क्लीन करी, क्लीनिंग कहाँ तक होती है ना, ये तो देखने में ही बनेगा। क्या ही कहना, हमारी कलीग है उन्होंने कहा कि भाभी अभी तक कोलकाता में जो है वो ठंडक नहीं पड़ती थी इस तरह से जैसे अब पड़ रही है, तो ये सब कुछ आप लोगों के आने के बाद ही हुआ। कि भाई हम लोग के आने का और ठंडक का आपका क्या ही रिलेशन है? कागो को सबकी टॉफी में से हिस्सा चाहिए। सो के उठने के बाद मुंह मीठा करने का ये कौन सा टेक्निक है? इतना खुश नजर क्यों आ रही है? क्योंकि स्कूल पसंद है।
कोई कहेगा कि ये किसी सभ्य इंसान का घर है, जरा साइड हटो सिद्धि, सारी गंदगी फैली हुई है, मतलब इनका पूरा टॉयज ऐसे फैला हुआ है। देखो अब रार एंट्री सॉन्ग का ये कोई ट्रेंड पीछे ना रह जाए, राघव कैसे पीछे रहता, टमा 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 टमा।